अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि राजधानी एक्सप्रेस तेजस राजधानी कैसे बनी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी तेजस राजधानी के बारे में जानेंगे। तेजस राजधानी एक्सप्रेस से पहले आइए जानते हैं तेजस एक्सप्रेस के बारे में। तेजस एक्सप्रेस भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जो कि पूरी तरह से वातानुकूलित है। तेजस का अर्थ कई भारतीय भाषाओं में तेज, चमक और प्रतिभा है। यह भारत में चलने वाली 3 सेमी हाई स्पीड ट्रेन में से एक है। अन्य वंदे भारत एक्सप्रेस और गतिमान एक्सप्रेस है। तेजस एक्सप्रेस का उद्घाटन 24 मई 2017 को हुआ, जो मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से करमाली गोवा तक चलाया गया था। इसने 8 घंटे और 30 मिनट में 552 किलोमीटर की दूरी तय की थी। भारत की इस पहली तेजस एक्सप्रेस कोच का निर्माण रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में हुआ। मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चेन्नई एगमोर और मदुरै जंक्शन के बीच देश की दूसरी तेजस एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई। इसने 6 घंटे 30 मिनट में 497 किलोमीटर की दूरी तय की थी। इस दूसरी तेजस एक्सप्रेस के कोच का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में किया गया था। तेजस ट्रेन को 200 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति से चलाने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन वर्तमान में ट्रैक और सुरक्षा बाधाओं के कारण अधिकतम परिचालन गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस LHB स्मार्ट कोच में EC और CC क्लास की सीट है। अब जानिए राजधानी एक्सप्रेस और तेजस राजधानी एक्सप्रेस के बारे में। राजधानी एक्सप्रेस भारत में चलने वाली एक सुपरफास्ट ट्रेन है, जो विभिन्न राज्यों की राजधानियों को दिल्ली से जोड़ती है। राजधानी एक्सप्रेस को सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 में न्यू दिल्ली से हावड़ा के लिए चलाया गया था, जिसमें 1450 किलोमीटर की दूरी 17 घंटे 20 मिनट में तय की थी। राजधानी एक्सप्रेस 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलता है। वर्तमान में अभी 24 जोड़ी ट्रेनें हैं, जो नई दिल्ली को देश भर के महत्वपूर्ण शहरों से जोड़ती है। अब राजधानी एक्सप्रेस के फीचर्स को जानते हैं। ऑनबोर्ड कैटरिंग, इलेक्ट्रिक आउटलेट्स, रीडिंग लाइट्स और ऑनबोर्ड वाईफाई सर्विस की सुविधा दी गई है। तेजस राजधानी एक्सप्रेस भारत में संचालित एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इसका उद्घाटन 15 फरवरी 2021 को अगरतला राजधानी एक्सप्रेस को तेजस स्मार्ट स्लीपर कोच के साथ बदल कर किया गया। इस ट्रेन में राजधानी एक्सप्रेस की तरह ही AC फर्स्ट टियर, AC सेकंड टियर, AC थर्ड टियर की सुविधा दी गई है। तेजस राजधानी एक्सप्रेस का अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा और परिचालन गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब तेजस राजधानी एक्सप्रेस के फीचर्स की बात करते हैं। ऑटोमेटिक डोर्स, CCTV कैमरा, फायर अलार्म डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम, ऑन बोर्ड वाईफाई, ऑन बोर्ड कैटरिंग, इमरजेंसी टॉकबैक, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, बर्थ रीडिंग लाइट्स फॉर ईच पैसेंजर, सेंसर बेस्ड वाटर टैप्स, टॉयलेट ऑक्यूपेंसी सेंसर, वाटर लेवल सेंसर और बायो वैक्यूम टॉयलेट्स जैसे सुविधा दी गई है। भारतीय रेलवे ने अभी तक 4 राजधानी एक्सप्रेस को तेजस राजधानी एक्सप्रेस में अपग्रेड कर दिया है। अगरतला तेजस राजधानी एक्सप्रेस 15 फरवरी 2021 को अगरतला राजधानी एक्सप्रेस को तेजस स्लीपर कोच के साथ अपग्रेड कर दिया गया। अगरतला से आनंद विहार टर्मिनल तेजस राजधानी एक्सप्रेस 40 घंटे 5 मिनट में 2427 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
मुंबई सेंट्रल न्यू दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस 19 जुलाई 2021 को मुंबई राजधानी एक्सप्रेस को तेजस श्रेणी के स्मार्ट कोच में अपग्रेड किया गया था। यह मुंबई सेंट्रल से न्यू दिल्ली तक की 1384 किलोमीटर की सफर को 15 घंटे 32 मिनट में तय करती है। राजेंद्र नगर न्यू दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस 1 सितंबर 2021 को राजेंद्र नगर पटना राजधानी एक्सप्रेस को तेजस स्लीपर कोच में अपग्रेड किया गया था। इससे ट्रेन की गति बढ़कर 130 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। राजेंद्र नगर टर्मिनल से 1001 किलोमीटर दूर न्यू दिल्ली को सिर्फ 12 घंटे 30 मिनट में तय करती है। अगस्त क्रांति तेजस राजधानी एक्सप्रेस 12 दिसंबर 2021 को अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस ने मुंबई सेंट्रल से तेजस स्लीपर कोच के साथ अपना परिचालन शुरू किया। यह ट्रेन मुंबई सेंट्रल से हजरत निजामुद्दीन तक की 1377 किलोमीटर की दूरी 16 घंटे 33 मिनट में तय करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि राजधानी एक्सप्रेस को तेजस कोच के साथ अपग्रेड क्यों किया जा रहा है। तेजस एक स्मार्ट कोच है जो सभी दृष्टिकोण से राजधानी कोच से बेहतर है। बिजनेस स्टैंडर्ड के एक रिपोर्ट के अनुसार रेल मंत्रालय के बयान में कहा गया, तेजस स्मार्ट कोच के उपयोग के साथ भारतीय रेलवे का उद्देश्य भविष्य को बेहतर बनाना है। लंबी दूरी की यात्रा के लिए इस आधुनिक तेजस स्लीपर प्रकार की ट्रेन की शुरुआत यात्रियों के लिए यात्रा के अनुभव को बढ़ाने के लिए एक और आदर्श बदलाव है। तो दोस्तों, अब आप तेजस राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में समझ गए होंगे। आप इन सभी में से कौन से ट्रेन में सफर का आनंद लिया है और किस ट्रेन का सफर आपको अच्छा लगा, हमें कॉमेंट में बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे और हमारे चैनल द राइज ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में।